दूसरी खबर का, जहां रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा की साझेदारी में चल रही एलएलपी कंपनी की याचिका पर आज फैसला आएगा। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा की साझेदारी वाली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर आज फैसला आएगा। कल बुधवार को हाई कोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की सिंगल बेंच में सुनवाई पूरी हुई। फैसला गुरुवार तक सुरक्षित रखा था। सिंगल बेंच में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर ने ईडी की जांच को चुनौती दी है। बचाव पक्ष की ओर से मुख्यतः अपनी याचिका में जो सवाल खड़े किए उन पर यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से जवाब दिया। इसके बाद बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने वाड्रा की पैरवी करते हुए पक्ष रखा। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ ईडी ने साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है। कोर्ट कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और मां मोरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में रोक लगा चुका है। यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से एडिशनल सोलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी व उनके सहयोगी सीनियर काउंसिल भानु प्रकाश बोहरा ने पक्ष रखा। एडिशनल सोलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने बताया कि मामला वर्ष 2018 का है, तब बीकानेर पुलिस ने कोलायत में सरकारी जमीन खरीद फर्जीवाड़े के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। मामला दर्ज होने के बाद केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया था, जिसकी जांच चल रही है।